Hello dear students, hope you all are doing well and I am your Ishfaq sir and you are watching my YouTube channel Ishfaq sir's physics concept classes. तो आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आ रहा हूँ and that will be from the optics. और ऑप्टिक्स में आप एक सिंपल एक बेसिक सा लॉ पढ़ते हैं एंड दैट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड यू नो वेरी वेल ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. वन पार्ट इज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और दूसरा सेगमेंट इसका ये है कि द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. आज मैं इसी को वैक्टर शेप देना चाहूँगा. तो इसका मतलब यह है कि आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आप एक डायरेक्शन दे दीजिए, आप उसको यूनिट वेक्टर असाइन करिएगा और आप वो फॉर्म हमें दे दीजिए. ठीक है, तो चलो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले एक प्लेन मिरर लेता हूं. ठीक है, ये मैं यहां पर से एक प्लेन मिरर ले लिया और यहां पर मैं एक इंसिडेंट रे डालता हूं मिरर पे और सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और आपको पता है कि यहां पर एक नॉर्मल डाला जाता है और जितना ये इसके साथ एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और उतने एंगल के साथ ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी. सपोज ये वाली जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है और ये वाली जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन. सही बात है कि नहीं. तो सपोज ये जो एंगल आई है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आपको लॉ क्या बोलता है कि दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल. सपोज ये मैं थीटा रखता हूं तो ये भी कितना हो गया फिर थीटा. क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब बात यह है कि सर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे. अरे सिंपल सी बात है, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपने इनको नहीं लाना है, इनकी डायरेक्शन को लेके आना है. यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनानी है, आपने इनके यूनिट वेक्टर्स बनाने हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर एक वेक्टर की क्या देता है, डायरेक्शन देता है. ठीक है, चलो यहां से जो इंसिडेंट रे आई चलो मैं उसका यूनिट वेक्टर बना देता हूं. सपोज यहां से मैं दिखा देता हूं, ये मान लीजिए आप ये मैग्नीट्यूड होगा इसका वन और ये जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगी तो ये कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा. चलो मैं इसको डिनोट करता हूं ए कैप से. व्हाट इज ए कैप, यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन. एंड दिस इज सिंपली द यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे. क्या इधर की तरफ ए कैप है, बहुत अच्छा. तो ये जो ये वाला वेक्टर है ये रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर है, चलो मैं इसको भी एक यूनिट वेक्टर देता हूं यानी कि इसको मैं डायरेक्शन देता हूं, वो इधर की तरफ चलेगा तो उसको मैं उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन. अगर इसका मैग्नीट्यूड वन है तो उसका भी मैग्नीट्यूड वन होगा. चलो डायरेक्शन इधर की तरफ होगी तो इसका मैं नाम रखता हूं बी कैप. व्हाट इज ए कैप, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. व्हाट इज बी कैप, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे. बट दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, वन वन है. गॉट इट और नॉट, बहुत अच्छा. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बीच में है इनके, यू नो वेरी वेल दिस इज द नॉर्मल. चलो इस नॉर्मल की डायरेक्शन जो है मुझे नहीं पता, मैं नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दिखा देता हूं आपको, वो किधर की तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा. तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में कौन जाएगा, इस डायरेक्शन में आपको नॉर्मल जाएगा. तो नॉर्मल की डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर, उसको मैं एन कैप से लिखूंगा. ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर क्या करेंगे. देखिए ए कैप इधर की तरफ आ रहा है, बी कैप उधर की तरफ जा रहा है, एन कैप ऊपर की ओर जा रहा है. गॉट इट और नॉट. ये अब बात यह है कि सर ये जो इन दो का एन कैप और बी कैप का टेल मिल रहा है इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, बट ए कैप का यहां पर हेड मिल रहा है. तो क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में कि जब भी हमें किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा या क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो उनके टेल्स को कोइंसाइड करना पड़ेगा या उनके हेड्स को कोइंसाइड करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि तब जाके उनके बीच में जो एंगल होता है वो डिफाइन होता है. तो अभी ये जो थीटा है दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन ए कैप एंड एन कैप बिकॉज यहां पर ए कैप का हेड मिल रहा है. तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं डायरेक्शन उल्टी दूंगा. ठीक है, तो अब ये कौन सा है, दिस विल बी नॉट नाउ ए कैप, इट विल बी नेगेटिव ऑफ ए कैप. एम आई राइट और नॉट, तो इस नेगेटिव ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन. बट डायरेक्शन उल्टा है एज कंपेयर टू ए कैप, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहा है ये. सही बात, बहुत अच्छा. अब ये जो थीटा है दिस इज द एंगल बिटवीन नेगेटिव ऑफ ए कैप एंड एन कैप और यही थीटा एंगल है किसके बीच में, बी कैप और एन कैप के बीच में. सही बात, बहुत अच्छा. अब आगे चलते हैं. तो मैं पहले क्या कर दूंगा, मैं पहले इन दो का रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा, किस किस का, नेगेटिव ऑफ ए कैप और
के बी कैप के बीच में, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे एंड द यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा। सही बात। चलो टेल टेल के साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा। अब आपको पता है कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो सिंपली आप इन दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करिएगा। पहली बात सुनिएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये बना रहा है थीटा, ये भी बना रहा है थीटा, जितना ये इसके साथ बनाएगा उतना ये भी इसके साथ बनाएगा, ठीक है। तो अब इस नेगेटिव ऑफ ए कैप के दो कंपोनेंट निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, एक मुझे लगता है कि आपको भी लगता होगा यहां से इधर की ओर चला जाएगा, एंड दैट विल बी माइनस नेगेटिव ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड, बट दैट विल बी साइन ऑफ थीटा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि ये y एक्सिस या n कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहां से कौन सा कंपोनेंट जाएगा, इसका साइन कंपोनेंट, और मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ a कैप, और इसका जो कंपोनेंट होगा वो इधर की तरफ चला जाएगा। सही बात है कि नहीं, ये b कैप है तो इधर से कौन सा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये भी थीटा किसके साथ बना रहा है, y एक्सिस के साथ। तो इसका कंपोनेंट, इस नेगेटिव a कैप का कंपोनेंट y एक्सिस के अलांग ऊपर जाएगा, तो वो कौन सा होगा, वो मैं इधर दिखाता हूं आपको, वो कितना होगा, नेगेटिव ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड, क्लियर है कि नहीं है, और कौन सा होगा, थीटा उसके साथ बना रहा है, और कॉस थीटा, क्योंकि थीटा कंपोनेंट इस कॉल्ड कॉस कंपोनेंट, और इस बी कैप का भी एक कंपोनेंट ऊपर की ओर चला जाएगा, वो कितना होगा, बी कैप का मैग्नीट्यूड, सही बात, इनटू कॉस ऑफ थीटा। सही बात। अब यहां ध्यान दे दीजिए, इन दो वेक्टर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, ये और ये, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो एक ही सेंस में जा रहे हैं, तो उनका सिंपल अलजेब्रिक सम होगा। बट अगर आप यहां पर देखेंगे, ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, बिल्कुल, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और ये हो गया ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा, 1 इनटू साइन थीटा साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा दैट इज अगेन साइन थीटा, बट ये इधर की तरफ वो उधर की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को किल करेंगे, तो इन दो का रिजल्टेंट किधर की ओर चला जाएगा। मुझे लगता है कि फ्रॉम द जियोमेट्री यू कैन से, तो ये भी थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है, दोनों के कंपोनेंट जो है वो अलॉन्ग द नॉर्मल जाएंगे, तो उसकी डायरेक्शन हमें नहीं निकाल दिया, हमें पता है कि उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, जिधर की तरफ नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल की डायरेक्शन कौन देता है, एन कैप, तो डोंट वरी अबाउट इट, गॉट इट। चलो अब मुझे बता दीजिए, बी कैप और नेगेटिव ऑफ ए कैप का रिजल्टेंट क्या है, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए कैप को मुझे वेक्टर सम करना है किसके साथ, बी कैप के साथ, गॉट इट और नॉट। इस वेक्टर और इस वेक्टर को मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, वो किधर की तरफ चला जाएगा, एन कैप के अलांग, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव ऑफ ए कैप, वो हो गया 1 cos थीटा, और इसका भी हो गया 1 cos थीटा, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अब एड अप कर ले, तो ये कितना होगा, cos थीटा, ये भी cos थीटा, तो मुझे पता चल गया कि इन दो के जो दो कंपोनेंट्स ऊपर की तरह निकले थे, ऊपर की तरफ निकले थे, इसका निकला था cos थीटा, इसका भी निकला था cos थीटा, क्यों, क्योंकि माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, इस वाले का कंपोनेंट था ऊपर की ओर, और उसका कौन सा कंपोनेंट था, बी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा ऊपर की ओर, क्या दोनों एक ही सेंस में हो रहे हैं, तो ऐड अप होगा, बट इसका देखेंगे ये कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव ऑफ ए कैप, 1, और 1 इनटू कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा, किधर की ओर, ऊपर की ओर, और ये कितना हो गया बी कैप का मैग्नीट्यूड, दैट इज 1, और 1 इनटू कॉस थीटा दैट इज अगेन कॉस थीटा, बट किधर की ओर, ऊपर की ओर, तो दोनों का क्या होगा, ऐड होगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो अलोंग द नॉर्मल जाएगा, कॉस थीटा ट्वाइस कॉस थीटा, तो इसका मतलब है कि ये जो ये वाला वेक्टर अलोंग द नॉर्मल निकलता है वो इन दो का क्या है, रिजल्टेंट, और उसकी उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ट्वाइस कॉस थीटा, और डायरेक्शन किधर की तरफ है, एन कैप के अलोंग, तो मुझे बता दीजिए इन दो को जब मैंने सम किया, वेक्टर सम किया, इनका जो रिजल्टेंट किया, तो मुझे पता है कि वहां से क्या मैग्नीट्यूड निकला था, ट्वाइस कॉस थीटा, और डायरेक्शन किधर की तरफ थी, अलोंग द नॉर्मल, तो वो क्या है, एन कैप। सर ये कैसे लिखा आपने, अरे इसको आप ए वेक्टर मान लीजिए और ये इक्वल टू है, ये क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड इसका, और ये होगा इसका डायरेक्शन, क्योंकि आपने वेक्टर में पढ़ा है ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप, यही मान लीजिए पूरा एक रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ट्वाइस कॉस थीटा और डायरेक्शन एन कैप, गॉट इट, बहुत अच्छा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बी कैप, ये नेगेटिव ए कैप इधर लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये शोभा नहीं देता, ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा
एन कैप। तो बी कैप किसके बराबर निकला, ये नेगेटिव ऑफ ए कैप इधर आ जाएगा, प्लस ए कैप प्लस ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा एन कैप। तो यहां पर हमें कॉस थीटा को निकालना पड़ेगा। अब ये कॉस थीटा कैसे निकलेगा, आपको पता है कि जब भी वेक्टर्स में थीटा को निकालना होता है तो आपको पता है कि उस टाइम हम मोटे मोटे तौर पर ज्यादातर यूजली हम क्या करते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो हम नेगेटिव ऑफ ए कैप और, अब इसका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, नेगेटिव ऑफ ए कैप और एन कैप के बीच में क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। क्या ये दो वेक्टर्स है, क्या इनके बीच, क्या टेल टेल के साथ मिल रहा है, क्या थीटा इनके बीच में एंगल है, तो इन दो के बीच में मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ किसके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, नेगेटिव ऑफ ए कैप, नेगेटिव ऑफ ए कैप, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसको किसके साथ, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ, एन कैप के साथ। तो वो किसके बराबर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि नेगेटिव ए कैप का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल वो कितना है, थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा, याद आया कि नहीं, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। सो आई कैन से दैट इसका मैग्नीट्यूड तो वन है, इसका भी मैग्नीट्यूड वन है, कॉस थीटा, तो 1 into 1 हो गया 1, 1 into cos theta हो गया cos theta, तो ये बेचारा बन गया यहां पर cos theta। तो negative of a cap dot n cap is equal to cos theta, उठा के पटक दे दीजिए इधर, तो you will get the answer। तो वो मैं कुछ इधर लिखता हूं, ठीक है। चलो मुझे बता दीजिए, from equation first what can we say, b cap is equal to a cap, a cap फिर क्या है 2i plus 2 प्लस टू, फिर है कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर निकला, नेगेटिव ऑफ ए कैप डॉट एन कैप, क्लियर है कि नहीं, कॉस थीटा किसके बराबर निकला, नेगेटिव ऑफ ए कैप डॉट एन कैप, क्योंकि मैंने आपको बोला कि थीटा जब भी निकालते तो मोटे मोटे तौर पे क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते थे, तो इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, वहां से कॉस थीटा निकला और इनटू क्या होगा एन कैप। अरे सबको समझ में आ रहा है, ये सिंपली मैंने इधर पुट कर दिया, जरा इसको थोड़ा रीअरेंज करिए, यू विल गेट समथिंग। बी कैप इज इक्वल टू ए कैप प्लस माइनस माइनस ट्वाइस ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली द वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्टर रे। रिफ्लेक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर निकला, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर माइनस ट्वाइस इंसिडेंट रे का जो यूनिट वेक्टर है और नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो है उन दो के बीच में डॉट प्रोडक्ट, वहां से कोई स्केलर आ जाएगा, उसको एन कैप के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, तो वो आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप यहां पर देखेंगे, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, गॉट इट और नॉट। बी कैप किसके बराबर निकला, ए कैप माइनस ट्वाइस ए कैप डॉट एन कैप, जो निकलेगा उसको एन कैप के साथ मल्टीप्लाई करिएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर निकल के आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर दूंगा, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया।